सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम लोग जा रहे हैं कालो डूंगर घूमने के लिए। सो हम लोग अभी कच्छ में, जैसा कि आप लोग को पता ही, आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं कालो डूंगर की ओर। तो चलिए फटाफट जाते हैं कालो डूंगर। और कालो डूंगर का मतलब है, जिनको गुजराती नहीं समझ में आता है, इट मीन्स ब्लैक हिल्स और ब्लैक माउंटेन। पूरा ब्लैक कलर का माउंटेन है वो। यहाँ के लोग बड़े मस्त है एकदम। ऐसे रास्तों पे चलाने का मजा अलग ही होता है। यू जस्ट फील लाइक अ फ्री बर्ड। ऐसा लग रहा है बस चलाते जाओ, खाली रास्ते और आपको बस क्रूज करना है। साइड में ऐसे सब कुछ नहीं, आगे पीछे। ये रहा कालो डूंगर, जो कि आप लोगों को कैमरा में आई होप दिख रहा हो। वहां से पूरा ऊपर का कच्छ का व्यू दिखेगा। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे गर्मी इतनी होती है कि गर्मी के टाइम पे ये कुछ होता नहीं है, ज़्यादा टूरिस्ट भी आते नहीं। ऑफकोर्स ठंडी के टाइम पे यहाँ पे ये रण उत्सव होता है, तो तभी इतने लोग आते हैं। और ये लोग टेम्पररी बेसिस पे टेंट वगैरह लगा के बनाते हैं लोगों को स्टे करने के लिए। हमारा जो स्टे था वो था होड़का में, और वहाँ से है 65 किलोमीटर कालो डूंगर। तो हम लोग ने 30 किलोमीटर जितना चला लिया है, और 30 किलोमीटर दूर है हमारा सफ़र, हमारा डेस्टिनेशन। और यहाँ पे BSF के सब कॉन्वॉय देख सकते हो आप लोग, बिकॉज आर्मी कैंप भी यहाँ पे है, BSF कैंप वगैरह। वो इसलिए यहाँ पे है बिकॉज, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी काफ़ी पास में ही है। सो फॉर सिक्योरिटी रीजंस इतने सारे आर्मी जनरल्स और आर्मी वाले रहते हैं यहाँ पे। दिस इज मैग्नेटिक जोन, कालो डूंगर के पहले मैग्नेटिक जोन आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्लोप नीचे के साइड पे है, बट व्हीकल ऊपर के साइड अपोजिट साइड आती है। यहाँ पे मैग्नेटिक जोन, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिल। स्लोप नीचे के साइड है तो व्हीकल नीचे जाना चाहिए, बट आता है ऊपर के साइड पे। चलो हम टेस्ट करते हैं। सर्स गाइस ये देखो, हाथ छोड़ दो। सर्स गाइस ये देखिए, स्लोप ऊपर के साइड पे है, बट बाइक नीचे आने के जगह ऊपर जा रही है, इसलिए इसे कहते हैं मैग्नेटिक जोन, बिकॉज वहाँ पे ऐसा मैग्नेट जैसा कुछ लगता है। ये देखो, ये अपने मन से पीछे जा रही है, अपने मन से मतलब मैग्नेट से खींच के बंद से। बंद दे दे कुछ, अभी आवाज़ भी नहीं आ रहा है इंजन का। सो दिस इज मैग्नेटिक जोन। सो जस्ट लुक एट गाइस, यहाँ पे रण भी है, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे माउंटेंस भी है, यहाँ पे ग्रीनरी भी है। क्या नहीं है कच्छ में भाई, सब कुछ देख लिया हम लोग ने ये 2-3 दिनों में। कालो डूंगर द ब्लैक हिल्स, फाइनली वी हैव रीच्ड। यहाँ पे बाइक कर पार्क करने की, कहाँ पार्क करेंगे बाइक? बाइक पार्किंग क्या करवानी छे? बाइक पार्किंग क्या करवानी छे? ऊपर हम लोग अराउंड गुजरात के एंड में ही है, गुजरात राजस्थान की बॉर्डर के ओर। और मैंने अभी जाके गुजरात पुलिस देखा, मतलब अभी जाके मैंने गुजरात में पुलिस देखी है। वाओ, जस्ट लुक एट हियर, कालो डूंगर। ओहो, यहाँ पे तो और कर दिए। वहाँ पे बाइक्स कहाँ पे पार्क होगी? ऊपर जावा दो, सारो ऊपर जावा दे।
वे टू व्यू पॉइंट। यहाँ पे तो मंदिर भी है एक। हम लोग अभी वीकडेज में आए तो भी काफी गर्दी है। तो भाई हमारी यहाँ पे पार्क हो गई, अभी हम लोग जाएंगे आगे कालो डूंगर व्यू पॉइंट के ऊपर। कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बात तो सही है। क्या हुआ? कैमल राइड। कैमल राइड करने का है? अरे बैठ, चलो आप आ जाइए। हम नहीं बैठ सकते, माफ करो, सॉरी। क्या नाम है आपका? जकरिया। हाँ, आप बैठ जाओ सर। हम लोग घूम के आए काकड़िया, काकड़िया तालाब। चलो आप आ जाइए सर, आप दो बैठ। चलो हमारे साथ चलो, आप दो बैठ। चलो हम इसको, चलो हम घूम के आते, चलो हमारे साथ, इसको साथ में मुंबई लेके। ये यहाँ का लोकल है, हम इनको लेके जाते, पैसा लगेगा। दस गाइस, दिस इज द मेन पॉइंट। यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हो, वहाँ पे से मेन व्यू पॉइंट, सेव फॉरेस्ट, सेव वाइल्ड लाइफ। और मैं राइडिंग बूट्स पहन के यहाँ पे आया हूँ भाई, नॉर्मल शूज़ घर पे भूल गया तो राइडिंग बूट्स पहन के घूम रहा हूँ सब बाजू। न्यू सब्सक्राइबर सुनाम तुम्हारो प्रफुल कोली व्लॉग्स। ओके थैंक यू। पच्ची बोली जासो हमरा सब्सक्राइब करो। वी आर इंक्रीजिंग आवर सब्सक्राइबर्स। तो हम लोग पगड़ी बंधाने का सोच रहे हैं यहाँ पे, बट एक कौन सा कलर मेरे साथ मैच होगा टी शर्ट के साथ वो सोच रहे हैं। कौन सा कलर बांध? मल्टी कलर। कौन सा बट कौन सा बांध? मल्टी। हाँ बांध दो। सो यस गाइस, कब से हम लोग फोटो खींच रहे थे यहाँ पे। सो जस्ट इन केस इफ यू वांट टू सी द पिक्चर्स यहाँ के, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एट प्रफुल कोली व्लॉग्स। और कुछ भी अगर डिटेल्स चाहिए कोई प्लेस के बारे में या क्या कुछ है कुछ भी, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूंगा कि कौन सी प्लेस क्या है, स्टे वगैरह कहाँ पे किया था। यहाँ पे देखो गर्दी बढ़ते जा रही है, इतनी धूप में भी काफ़ी लोग आए यहाँ पे। सो यस गाइस, यहाँ पे से रोड टू हेवन का जो लेक है, रोड टू हेवन लेक, वो भी दिखता है वहाँ पे, रोड टू हेवन का लेक। बट वो कैमरा में समझेगा नहीं और हम लोग को नेकेड आई से भी नहीं दिख रहा है, इट इज़ दैट फार। और ऊपर से पॉल्यूशन है या फॉग है उसकी वजह से नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है थोड़ा। बट या वट एवर इट इज़, मज़ा आ रहा था हम लोग को यहाँ पे। सो यस गाइस, दिस वाज कालो डूंगर। अब यहाँ पर से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखते और कौन सी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए है। तो अब हम कालो डूंगर के बाद जा रहे हैं सफ़ेद रण देखने के लिए, और वो आपको वहाँ से दिखाएंगे प्रॉपर सनसेट। यहाँ पे भी सन थोड़ा डाउन हो गया है, फटाफट हम लोग जा रहे हैं वाइट रण। सो यस गाइस, ये फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं रण उत्सव वाइट रण में।
तो हम लोग रण उत्सव के अंदर तो आ गए, बट हम लोग को वाइट रण में जाने का, वो अंदर है और तो हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी। सो यस गाइस, इसके लिए आपको परमिट चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे स्कैनर दिए है, तो यहाँ पे स्कैन करके 100 रुपीज़ पर पर्सन और 25 की 30 रुपीज़ पर बाइक, तो ही एंट्री मिलेगी अंदर, तो हम लोग वही कर रहे हैं अभी। वेलकम टू वाइट डेजर्ट ढोडो, सफ़ेद रण ढोडो में आपनु स्वागत छे। तो ये फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं और ये यहाँ पे सनसेट हो रहा है और हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी पास में हैं। ₹100 चलो बेसी जावी। तो यहाँ पे तो प्रॉपर उत्सव है, आगे म्यूजिक वगैरह सब कुछ, सनसेट हो गया थोड़ा लेट हो गया हम लोग। तो इतना घोड़ा गाड़ी में 4 किलोमीटर और अंदर जाना है, हम लोग को लगा पास में ही है तो फटाफट हम लोग आ जाएंगे, बट इसके भी अंदर अंदर है, इतने में तो सनसेट हो गया। सो यस गाइस, दिस इज वाइट रन और ये हो गया पीछे सनसेट। अबे दूर दूर तक सब, जहाँ पे भी आप लोग की नजर जाएगी तब तक लोग है सब। यहाँ पे कई थोड़े किलोमीटर बाद ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी है, यहाँ पे ATV राइड्स, फिर पैराग्लाइडिंग ये सब भी होता है। ये देखो इसके भी कुछ चार्ज हो गए। थोड़ा हम लोग लेट हो गए बट इट्स ओके, बिकॉज हम लोग को प्रॉब्लम हो गया, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल पम्प भी नहीं है यहाँ पे पास में कहीं, और हम लोग को परमिट वगैरह निकलने में भी टाइम लग गया, और जो मेन गेट है उसके भी 10-15 किलोमीटर अंदर है, तो उसमें आने में टाइम लग गया। थोड़ा और आगे चल के जाते हैं। सो दिस इज लिटरली सॉल्ट, मैं सोच रहा हूँ कि सॉल्ट का टुकड़ा ट्राई करूँ टेस्ट करके। सफेद रण मोलू रण साथी रे के खारो सका नहीं सोई रे ए सॉल्टी है। सो यस गाइस, कम्प्लीटली अंधेरा हो चुका है अभी और यहाँ पे बस जो ये लिटअप किया हुआ है वो बाकी है। अभी हम लोग यहाँ पे से निकल रहे हैं। ओ हो, पीछे देखो कैसे लग रहा है, कम्प्लीटली सनसेट का शेड। कभी कभी ज़्यादा लाइट नहीं होती उसकी वजह से अच्छा दिखता है कभी कभी, ये देखो। तो ये भैया जी हमें आगे तक लिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ पे से 2-3 किलोमीटर और आगे जाने का है, तो हम इनके पास से लिफ्ट ले रहे हैं। चलो तो वहाँ पे पुलिस वाले भाई फोन करेंगे तो नहीं नहीं थोड़ा पहले उतर देना ना, यहाँ पे ही उतरना है। हाँ वो गाड़ी पार्क करते ना उसके पहले। हाँ ठीक है, बाय बाय वाइट रन, सी यू नेक्स्ट टाइम। उत्सव की तरह ही यहाँ पे मजे हो रहे हैं।
हैं, मस्त चांस है यहाँ पे ब्लॉग एंड करने का, बहुत ही बढ़िया जगह पे ब्लॉग एंड कर रहे हैं, मस्त लाइट है और हम लोग गाड़ी पे बैठे हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।